अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं मिजाज आली बख़ैर होंगे। आज हम यक तरफ़ा मोहब्बत का अमल, वन साइड लव का मसला जो होता है वो लेकर के हाज़िर हुए हैं। अगर आपका यक तरफ़ा मोहब्बत है, आपकी एक तरफ़ा मोहब्बत है, वन साइड लव है, आपको किसी को आप चाहते हैं, सामने वाला नहीं चाहता है, तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर आप किसी को पसंद करते हैं, किसी को चाहते हैं, मगर सामने वाला आपको नहीं चाहता है, तो उसको किस तरीके से उसके दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करें। आज हम बताने वाले हैं इस वीडियो में कि अगर आप किसी को बेपनाह मोहब्बत करते हैं, उसके बगैर आपका जीना हराम हो गया है, आपको रातों की नींदें नहीं आती हैं, रातों की नींदें उड़ गई हैं किसी के लिए, तो आप इस अमल को करें, आपको 110% कामयाबी मिलेगी। ये अमल यक तरफ़ा मोहब्बत के लिए बेमिसाल है। इसका असर वही देख सकता है जो इसको करेगा। करना भी बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा भी, और कोई किसी तरीके का कोई ख़र्चा भी नहीं आएगा इसमें। इस अमल को करने में कोई लागत नहीं आएगी, सिर्फ आप 5 मिनट निकाल लें, और 5 मिनट निकालने के बाद में इस अमल को जैसे बताया जा रहा है उसी तरीके से कर लें, आपको मकसद में कामयाबी ज़रूर मिलेगी। आप जिसे चाहते हैं, आपका महबूब आपको भी चाहने लगेगा। तो आइए जान लेते हैं कि इसको करना कैसे है। सबसे पहले आपको एक सफ़ेद कागज़ लेना है और एक ब्लैक पेन लेना है, और उसके बाद में इस तरीके से आपको बनाना है। ये इस तरीके से आपको बना लेना है। जब ये 3 बॉक्स आपको एक ही पेपर पर बनाने हैं, ये सब अलग अलग नहीं बनाने, आपको एक ही पेपर लेना है, उस पर ये 3 बॉक्स बनाने हैं। ये किसी भी दिन बना सकते हैं, इसके कोई ख़ास वक्त नहीं है, किसी भी वक्त किसी भी दिन बना सकते हैं। देखें इसमें चाल है, ये ज़रूर आप देखें। देखें सबसे पहले आपको ये लिखना है 9-1, पहले बीच वाला लिखेंगे, उसके बाद में ये लिखेंगे 4-1, फिर उसके बाद में ये बना हुआ है, बड़ी ये जैसे बना हुआ वैसे बना लीजिए। उसके बाद में इसमें देखिए आपको ये लिखना है, छोटी ये है, ये इसको आपको लिखना है, फिर आपको ये लिखना है, ठीक है, ये 1-3, फिर आपको 1-5 लिखना है, ठीक है। अब आ जाइए इसमें, इसमें आपको सबसे पहले ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर ये लिखना है, ये इस तरीके से नक्श मुकम्मल हो जाएगा। अब जब ये नक्श मुकम्मल हो जाए तो इसको आपको फोल्ड कर लेना है। फोल्ड कैसे करना है, लंबे लंबे करना है इस तरीके से, इसको उठा के इस पर रख देना है, इस वाले तावीज़ को फोल्ड करके इस पर आना चाहिए, और फिर ये दोनों हिस्सा इस पर आना चाहिए, यानी इस तरफ से फोल्ड करना है आपको, इधर से इधर की तरफ फोल्ड करना है, इसको उठा के इस पर रखना है और इन दोनों को उठा के इस पर रखना है, इस तरीके से फोल्ड कर ले, चौकोर में बना लें ऐसे। चौकोर में बनाने के बाद में आपको एक मोमबत्ती जलानी है, मोमबत्ती कैंडल जिसे बोलते हैं, मोमबत्ती, मोमबत्ती जलाने के बाद में उसके बाद में इस नक्श को उस मोमबत्ती की लौ से जलाएं। लौ यानी उसकी जो रोशनी होती है, जो लपक होती है, जो आग होती है, उसके ऊपर जलाएं, यानी मोमबत्ती से इसको जलाएं। मोमबत्ती से इसको जलाने के बाद में जब इसकी जो राख हो, जब ये नक्श जल जाए, किसी भी वक्त जला सकते हैं, जब ये नक्श जल जाए तो इसको उठा के रख लें, और जब भी आपका कोई महबूब मिले जिसको आप चाहते हैं, जिसके लिए आपने किया है, यहाँ पे नाम वगैरह भी उसका लिखना पड़ेगा, यहाँ पे पहले महबूब का नाम लिखेंगे, फिर आप अपना नाम लिख लेंगे, माँ का नाम पता हो तो माँ का भी नाम लिख लें साथ ही साथ, नहीं तो सिर्फ उसका नाम और अपना नाम लिखने के बाद में इसको जला के इसकी राख को अपने पास में रख लेना है। उसके बाद में जब भी आपका महबूब मिले तो उसके ऊपर डाल देना है इस राख को, थोड़ी सी तावीज़ की राख को, थोड़ी सी राख को डाल देना है। ऐसा करने से एक तरफ़ा मोहब्बत दो तरफ़ा मोहब्बत में बदल जाएगी, वन साइड लव टू साइड लव हो जाएगा। इस तरीके से आपका प्यार आपको मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में। नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, कोई मसला हो तो ज़रूर बताएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।